हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बुलंदशहर में ARTO परिवर्तन ने ई रिक्शाओं के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। जी हां, बुलंदशहर ARTO परिवर्तन ने ई रिक्शाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। करीब 2.5 दर्जन ई रिक्शाओं पर की गई है कार्यवाही। ARTO की कार्यवाही से ई रिक्शा चालकों में हड़कंप मच गया है। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि रिक्शा न होते तो 2 वक्त की रोटी का भी हो जाएगा टोटा। जैसे तैसे घर चलता है, गुजारा होता है और ये भी बंद हो गए तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। आपको बता दें कि बुलंदशहर के सिकंदराबाद में ARTO की ओर से चलाया गया ई रिक्शाओं के खिलाफ विशेष अभियान। मोहम्मद अकरम। अकरम, क्या काम करते हो आप? क्या हुआ तुम्हारे रिक्शा? क्या था? ऑटो पिक ने पकड़ा। 100-200 रुपए कम जाएगा, का खर्चा चले। अच्छा, गरीब आदमी ट्री चलाते हो? आज तुम्हारी ट्री पकड़ी गई है तो लगता है तुम्हें घर का चूल्हा भी जलेगा आज। मुश्किल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हापुड़ और आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।